नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के समय हम सभी जीवन के छोटे छोटे घटनाओं से तुरंत आहत हो जाते हैं और उनसे दुखी भी। कभी भी गहरे मन से सोचने का प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, सभी लोग मुझे ही क्यों गलत सोचते हैं। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे ही अनावश्यक बातों को लेकर पूरे दिन भर सोचते रहते हैं और अपना मनोदशा खराब कर लेते हैं। हम अपने ऊर्जाओं की खपत इन्हीं चीजों में कर देते हैं, जिससे हमारे दिन और समय दोनों ही व्यर्थ चला जाता है इन्हीं सभी चीजों में। इससे हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत खराब असर होता है। हमारा मन संचित हो जाता है और हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता है। इन बातों को सोच सोच कर हमारे अंदर के रचनात्मक गुण विलुप्त हो जाते हैं, जिससे हमारे बौद्धिक विकास रुक जाते हैं, हमारे अंदर में नकारात्मक भाव आ जाते हैं, जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन के कारक बनते हैं, जिसे बहुत ही आसानी से हमारे प्रवृत्ति में देखा जा सकता है। जैसे विचारों को हम अपने अंदर लेंगे, हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होगा। यदि हम बुरे विचारों को अपने अंदर लेंगे तो बुरा होंगे, और यदि अच्छे विचारों को लेंगे तो अच्छा। हम किसका चुनाव करते हैं, अच्छा या बुरा का, ये हमारे विवेक बुद्धि पर निर्भर करती है। सारी समस्याओं का जड़ हमारे सोच ही है। इन्हीं वजहों के कारण हमारा मन अशांत रहता है। इसलिए अपने सोच को बेहतर बनाएं। किसी के कही बात को दिल से न ले और न ही किसी की बातों पर विश्वास करें। सोच समझकर गहरे मन से विचार करें, क्या सही है या क्या गलत है, आपके लिए क्या उचित है क्या नहीं है, आप इसके लिए आत्ममंथन करें। अपने सोच को हमेशा सकारात्मक बनाकर रखें। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बददुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता, आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है, जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया, तो वह व्यक्ति उपहार को वापस लेकर चला गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने इसका क्या किया होगा। भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने कहा, उस उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ, और इसलिए आपकी यह गालियां आपके पास ही रह गई है। यदि आप किसी के बातों को लेकर चिंतित और परेशान हैं, कोई आपको भला बुरा कहा हो, तो आप इन बातों को इग्नोर करें। इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें, अपने अंदर मत ले जाएं। अपने जीवन में सकारात्मक भाव बनाए रखें। यदि कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहे, आपकी बुराई करे, तो आप इन विचारों को लेकर जीवन में कभी भी चिंतित और परेशान ना रहे।
जो लोग ऐसे करते हैं वे लोग मूर्ख होते हैं, जो अपना समय दूसरे के बुराई करने में करते हैं उतना ही समय किसी दूसरे कार्यों में करते तो आज ऐसे लोग कहां से कहां पहुंच जाते। उन्हें अपना समय के महत्व का पता नहीं है, इसलिए ऐसे लोग जीवन भर इन्हीं सभी बातों में उलझा हुआ रहता है। आज इसकी बुराई तो कल उसकी बुराई कर करके के अपना दिन गुजार देता है। यदि कोई व्यक्ति सफल हो जाए अपने जीवन में तो ऐसे लोगों को लगता है सब किस्मत है, या फिर कोई गलत कार्य करके सफल हुआ होगा। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में मेहनत किया ही नहीं है, तो मेहनत का मतलब क्या समझेगा। ऐसे लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर कार्य करने को ही मेहनत समझने की भूल कर बैठते हैं, जो कि गलत है, जो कदापि सत्य नहीं हो सकता। उनके नजरों में बौद्धिक मेहनत का कोई महत्व नहीं है। मेहनत के साथ साथ धैर्य, पूरी लगन की आवश्यकता होती है किसी भी सफलता को हासिल करने में। इन बातों से ऐसे लोग अनभिज्ञ होते हैं। ये उनके अंदर के ज्ञान की अनभिज्ञता से झलकती है, जो उसके स्वभाव में दिखता है। आप अपने आप को अपने कार्यों में व्यस्त रखें। खाली हाथ बैठने से हमारे मन में ऐसे विचार आते ही रहेंगे, इसलिए अपने जीवन में रुचि को बढ़ाएं, नई चीजों को सीखने में ध्यान दें, रचनात्मक क्रियाओं में भाग लें, योगा करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सकारात्मक विचारों को अपने अंदर ले, अपने आप को सदैव सकारात्मक रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से जरूर ही कुछ न कुछ सीख मिले होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।